हेन्द्रो भद्रवाह स्वस्ति पुरुष विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षयो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ॐ स्वस्ति 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 निवेदन करूंगा कि अंदर जाकर ऑक्सीजन प्लांट का दागनी जी, जो कि दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल में हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को डोनेट किया है, आइए बात करते हैं उनसे सर, अपने बारे में बताएं थोड़ा, और जो आज आपने डोनेशन किया है उसके बारे में। तो हमारा ये प्रोजेक्ट था कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो दिल्ली में ही बने, बाहर से क्रायोजेनिक कंटेनर्स और सप्लाई चेन में असर ना पड़े और हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, ताकि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पूरी दिल्ली का है उसका बढ़ जाए थोड़ा कैपेसिटी, ताकि जो भी चिकित्सा जो भी लोगों को बीमारियाँ हैं वो यहीं से सॉल्व हो जाए, कहीं आगे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यही उम्मीद थी कि अगर जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो उसके सहमति से हम एक साथ आगे बढ़े, और अगर आदमी बीमार है तो जैसे मैंने बोला था वो कुछ नहीं कर सकता, तो पहले सबसे पहले बीमारी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने नाम रखा है अपने फाउंडेशन का अंबर डालमिया फाउंडेशन, ये थोड़ा बताएं इसके बारे में, ये कैसे? अंबर डालमिया मेरी बहन थी जिसकी डेथ हुई कार एक्सीडेंट में, तो उसके नाम के बेसिस पे मैंने अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया था। हम गरीब बच्चों को खेल के माध्यम से हम सिखाना चाहते हैं, एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहते हैं, और जब कोरोना का ये हुआ था तब हमने पूरे एक्टिविटीज़ रोक करके हमने ऑक्सीजन पे काम करना शुरू किया। सर, अम्मा डालमिया के और फाउंडेशन के और भी ताकि उन बच्चों को लाइफ स्किल्स और खेल के माध्यम से थोड़ा एजुकेशन इम्पार्ट कर सकें, सारी गवर्नमेंट स्कूल्स उनको लेके। इसके अलावा आपने और कौन से हॉस्पिटल में डोनेशन की, ऑक्सीजन प्लांट थोड़ा बताएं? मैंने कैंटोनमेंट जनरल में आईसीयू फैसिलिटी में 5 बेड का फैसिलिटी हेल्प किया है, ये प्लांट मूलचंद में तो किया है। मिलिट्री हॉस्पिटल में मैंने वेंटिलेटर्स डोनेट किए हैं, अब मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ में भी हम कर रहे हैं, तो जितना हम कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा और भी अगर हो पाए हम हमारे हमसे करेंगे। और हेल्थ सेक्टर में आप किस तरह का, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे है, और आप क्या क्या फैसिलिटीज करना चाहेंगे? जितने ज़्यादा आईसीयू फैसिलिटीज, आईसीयू ऑक्सीजनेटेड बेड्स हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, और वर्ल्ड हेल्थ डे में मैं यही कहना चाहूँगा जितने जिन लोगों को ज़रूरत है ऑक्सीजन की या मेडिकल की या इमरजेंसी ऑपरेशन की, उसमें हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे।